इतना रहा है कि तुरंत दरे पे हिल रहा है ट्रैक्टर कायदे से। चलने दीजिए, रुके चलने दीजिए, अच्छा रुके चलने दीजिए, आप डालिए। इसको बोलते हैं दोस्तों इंडियन फार्मर का लाइव डेमो। ट्रैक्टर लेते समय हमारा किसान क्या देखेगा, आखिरी बात बताइए। आखिर आपके सामने इतने सारे ट्रैक्टर क्यों खड़े किए गए हैं? दोस्तों आज का वीडियो 2024 का ट्रैक्टर का बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हमने यहाँ पे आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5 स्वराज के सारे जो ट्रैक्टर है वो खड़े किए गए। आखिर स्वराज के ट्रैक्टर जो है कौन किसान ले सकते हैं, कौन से किसानों के लिए ट्रैक्टर बेस्ट है, पावरफुल कौन सा है, बजट फ्रेंडली कौन सा है, प्राइसिंग क्या है, तो बहुत ही कमाल का वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो हमने आपके जानकारी के लिए बना रहे हैं हम लोग, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे किसान भाइयों को बेसिक जानकारी नहीं है, जैसे कि एफ ई का मतलब क्या होता है, एक्स टी का मतलब क्या होता है, वहां पे देख सकते हैं एक्स एम लिखा गया है, तो सारी की सारी छोटी छोटी जो जानकारी है दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, और ये सेगमेंट जो है क्या है अलग अलग वो भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़िएगा मत, बहुत मजा आएगा, डिटेलिंग काफी ज्यादा रहेगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम हर बार ट्रैक्टर का जब रिव्यू करते हैं तो ट्रैक्टर को हम खेत में लेके जाते हैं, उसका लाइव डेमो लेते हैं, वो भी हम करेंगे यहाँ पे। जितने भी ट्रैक्टर खड़े, चाहे वो 60 हो, 50 एचपी हो, 40 एचपी हो, टारगेट हो यहाँ पे 26 एचपी हो, तो हर एक ट्रैक्टर का हम डिटेल रिव्यू करेंगे। लेकिन आज का ये रिव्यू ना थोड़ा हटके होने वाला है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर मैं बताने जाऊंगा उतना डिटेलिंग नहीं मिलेगा। यहाँ पे रवि पाटिल जी, सर नमस्कार। नमस्ते। तो मेन चीज यही था कि यहाँ पे ये डीलर है, अगर हम डीलर से डिटेल में बात करेंगे तो हमें जानकारी और मिलेगी, और आप जानते हैं मेरे सवाल कैसे रहते हैं, ज्यादा डीप रहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं तुरंत। तो सर सबसे पहले तो मुझे बताइए, यहाँ पे ये स्वराज का 1, 2, 3, 4, 5 ट्रैक्टर हमने लिए, बराबर? जी बराबर। 5 ट्रैक्टर, ये सब अलग अलग है, जी। एक जैसा नहीं है, एक जैसी पावर नहीं है, नहीं। तो कंपनी आखिर इतने अलग अलग ट्रैक्टर बनाती क्यों है, वो बताइए। अब अगर हम देखेंगे डीप में तो अपने पास एग्रीकल्चर में भी बहुत यूज रहते हैं, मतलब हर खेत के लिए अलग लगने वाला है, हर यूज के लिए अलग लगने वाला है, हर ट्रैक्टर का पर्पज अलग रहता है। बराबर। ऐसा नहीं है कि ये छोटा वाला बड़े के लिए अच्छा रहेगा, बड़ा वाला छोटे के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हर किसान को अपनी नीड्स रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने के लिए हर एक मॉडल कंपनी बनाती है। बढ़िया है, मतलब कि ज्यादा एचपी से लेके छोटा एचपी तक जैसे रिक्वायरमेंट है किसान, वैसे इसीलिए अलग अलग ट्रैक्टर्स है, और वो डिमांड भी कस्टमर खुद करे हैं। अच्छा। अभी तक वो उस पे ही बने हैं। तो चलिए एक एक मॉडल यहाँ पे हम देखते हैं। आशुतोष भाई आ जाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं स्वराज 963 एफई। तो एफई मतलब क्या है वो पहले बताइए। एफई का मतलब है फ्यूल इफिशियंट। फ्यूल इफिशियंट, जी। सच कहूँ तो मैं इतने दिन से ट्रैक्टर्स के रिव्यू करता हूँ लेकिन इतना डीप में नहीं समझा था। थोड़ी देर पहले आपसे पूछा मैंने फ्यूल इफिशियंसी इसमें, जी। दोस्तों आपको पता था कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और आखिरी ट्रैक्टर है उसके बारे में हम बताएंगे नहीं, इसका मतलब क्या होता है वो आपको कमेंट बताना है। तो मुझे बताइए स्वराज 963 एफई में क्या खास बात है और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ये? एक्चुअली क्या है, ये 60 एचपी का ट्रैक्टर है जो 63 एचपी श्रेणी में आता है, और ये ज्यादातर यूज होता है गन्ने में, हॉलेज में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस ट्रैक्टर को टायर कितना है? ये 16-9-28 का टायर आता है। 16-9-28 और आगे को 7-50-16 का टायर आता है। ऐसा कुछ भी एप्लीकेशन नहीं है जो ये नहीं कर पाएगा। अच्छा जी। रोटर कितना फीट का चला सकता है ये? तो 6.5 फुट तक चला जाता है। 6.5 फीट तक का रोटर ये चला लेगा। वैसे तो चला लेता है बहुत सारा, लेकिन इसके ऊपर फ्लुएंटली चल सकता है वो 6.5 फीट। अच्छा, फ्यूल एफिशिएंसी क्यों बोला जाता है स्वराज को, एफई लिखा है वो तो बताइए। जैसा नाम उसको दिया है वैसा काम भी करता है। अच्छा, तो फ्यूल एफिशिएंसी भी उतनी ही देगा जितना इसका नाम रखा हुआ है कंपनी। तो मान लीजिए अगर हमने पीछे प्लाव लगाया, रोटर लगाया, तो 1 एकड़ में प्लाव में कितना डीजल खाता है अंदाजन आपके कस्टमर्स का रिव्यू क्या है? कस्टमर्स के रिव्यू से अगर हम देखेंगे तो ये 12 लीटर तक खा सकता है। 12 लीटर एक एकड़ में खाता है ना प्लाव में? हाँ, वो डिपेंड करता है सॉइल पे, हर जगह पे कैसे चला रहे। अगर हम अपने पूरे इंडिया में देखेंगे तो अलग अलग टाइप की अलग अलग सॉइल्स है, तो इसके यहाँ से बने। तो इसका प्राइसिंग क्या जाता है? इसका प्राइसिंग चला जाता है 9,90,000 ऑन रोड चला 9,90,000। वो टैक्सेस और ये हर जगह अलग हो सकते हैं, हर स्टेट के वाइज अलग अलग होते हैं। तो ऊपर चढ़ के आप हमें बताइए इस ट्रैक्टर में और क्या ज्यादा खास बात है, जैसे कि आपने बताया था कि 6 साल की वारंटी आ रही है। जी जी, अभी सभी स्वराज के जो मॉडल्स हैं उनमें 6 साल की वारंटी आ रही है। ये आता है CRDI टेक्नोलॉजी के साथ। ओके। इसमें इको पावर और हॉलेज 3 मोड रहते हैं। अच्छा, जिसमें हम ट्रैक्टर 50 HP का भी यूज कर सकते हैं, मतलब पावर निकलवा सकते हैं, 55 HP का भी निकलवा सकते हैं, और 60 HP की मतलब एक बटन दबाते ही 50 से ये तीनों बटन आएंगे यहाँ पे। अच्छा, इसको 3 बटन अलग से आते हैं, इको पावर और हॉलेज, ऐसा करके 3 बटन आते हैं इसमें। अच्छा बढ़िया। स्टीयरिंग ऊपर नीचे होता है इसका? नहीं, इसका मूवेबल नहीं, एक जगह पे फिक्स है।
ये लो हाई मीडियम के साथ आएगा। अच्छा, अब हम जानते हैं 744 XT। XT का मतलब क्या है वो बताइए। XT का मतलब है एक्स्ट्रा टॉर्क। अच्छा, मतलब ये 50 XT का आता है जी। अभी हम देखेंगे तो पहले तो यफी आता था। हाँ। ये XT निकलवाया एक्स्ट्रा टॉर्क के लिए कंपनी ने। एक्स्ट्रा टॉर्क मतलब वो बताइए ऑडियंस। एक्स्ट्रा टॉर्क मतलब ये उस ट्रैक्टर से अच्छा काम करेगा ये। अच्छा, ये अभी NSM में आएगा। अच्छा, ये न्यू शीट मेटल में सभी ट्रैक्टर जो है। शीट मेटल जी, NSM टेक्नोलॉजी। आपने पुराने में स्वराज देखे होंगे। हाँ। जो साइड से बोनेट खुलते होंगे। हाँ। आपको कैसा लगता है इसका कैसा खुल जाएगा? लगता तो वैसे ही कि ऐसे ही खुल सकता है। नहीं ओह, मतलब ये भी सिंगल टच आ गया। हाँ, ये वन पीस बोनेट में आ गया ट्रैक्टर NSM मतलब। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे 3 सिलेंडर है जी। ये 3 सिलेंडर में रहेगा। बढ़िया है। इसका डिजाइन भी काफी कॉम्पैक्ट और बेहतरीन तरीके से किया गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने है। और ये क्या है? RPTO? ये जो PTO रहता है अपना, अपने स्वराज में हर मॉडल में आता है वो। RPTO में आते हैं, मतलब अपन अगर ट्रैक्टर खड़ा करेंगे, लो हाई न्यूट्रल करेंगे और गियर CRPTO में डालेंगे और रिवर्स गियर डाला तो PTO उल्टा घूमना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जहाँ पे उल्टा PTO घुमाने की जरूरत है वहाँ पे मतलब घूम सकते हैं। अगर हम रोटर यूज कर रहे हैं, अगर मिट्टी फंस गई तो रिवर्स घुमाएंगे तो वो निकल जाएगी। बढ़िया। थोड़ा पीछे आपने कुछ देर पहले मुझे स्पेशल चीज दिखाई थी, वो उसके बारे में बताइए। ये इजी हिच लीवर रहता है। अच्छा, ये पट्टी अपन मतलब हाइड्रोलिक जो है वो ऊपर नीचे करवा सकते हैं। अगर हम नॉर्मल देखते, अगर आप अकेले हो, राइट, आपको एक पल्टी कनेक्ट करनी है तो आपको एक तो बंदा और चाहिए आगे पीछे देखने के लिए। हाँ। आपको वहाँ पे जाके फिर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे ऐसे खड़े होके ये पट्टी लगवा के आप पल्टी मतलब ये बाहर आता है, आप इससे एडजस्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाइड्रोलिक ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी ट्रैक्टर बंद है तो नीचे ही आ रहा है खाली। हाँ। ट्रैक्टर चालू करेंगे तो ऊपर लेंगे तो ऊपर ही भी चला जाएगा। इसका टायर साइज क्या है? इसका 14/9/28 है। अच्छा, उससे थोड़ा सा टायर ये छोटा है। उसमें आगे का सेम ही रहेगा, 750/16 का आगे का सेम है, पीछे का है। पहले तो एक छोटा सा लाइव डेमो लेते हैं स्वराज 744 XT के साथ, क्योंकि यार थोड़ा सा वीडियो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आप बोर नहीं होने चाहिए। चलाइए और जोर से। ये देखिए दोस्तों, मैं माइक मेरा पास में लेके आता हूँ और यहाँ पे जाली लगाया है। ये जाली लगा है, गर्म ना हो इसलिए। कम ज़्यादा कीजिए। स्मूथ है आवाज़, स्मूथ आ गया, फट नहीं रहा है। नहीं, पहले फटता था, अभी हाँ। नहीं फट रहा है। तो XT की सवारी हमें करवाइए आप, थोड़ा सा घुमा के बताइए कैसा है XT, चलने में कैसा है? अभी कौन से गियर में लगाया हमने? लो में लगाया है। अच्छा, लो में लगाया है। अभी जैसे अब इसमें एक्स्ट्रा टॉर्क दिया गया है तो वो टॉर्क का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? अगर हम डालेंगे हॉलेज में। हाँ। पुलाव में। हाँ। लगाएंगे तो एक्स्ट्रा टॉर्क। थोड़ा बढ़ाइए, देखते हैं टॉर्क उठता ही नहीं दोस्तों। थोड़ा सा हम खाली में ट्राई करते, वैसे प्रॉपर ट्राई नहीं होगा लेकिन वो ये तो उठ गया एकदम से। और एक बारा वो जना रहा है कि तुरंत दरे पे हिल रहा है ट्रैक्टर कायदे से। बढ़िया है। तो दोस्तों ये था XT का लाइव थोड़ा सा एक्सपीरियंस फायरिंग और टॉर्क का। चलिए आगे के ट्रैक्टर देखते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को खत्म करना है। अब इसके बाद हम आते हैं 744 FE के बारे में, बताइए। अभी ये है जैसा नाम वैसा। हाँ। बताया आपको जैसा। हाँ। नाम वैसा काम करेगा। फ्यूल एफिशिएंसी, राइट। तो ये है 744 फ्यूल एफिशिएंसी वाला। अच्छा, इसमें 14/9 की टायर आता है, उसमें आगे 6/16 के टायर आते हैं, छोटे टायर आते हैं इसमें आगे। ये किसके लिए रहता है? ये खाली अपनी खेती करनी है, बाड़ी की नहीं करनी है, घर की ही करनी है, उसके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हॉलेज में भी जो एक आध ट्रॉला चलता है अपने यहाँ मतलब, तो इसके लिए अच्छा रहेगा। हॉलेज के लिए भी अच्छा, हॉलेज के लिए मतलब गन्ने की भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर रहता है वो अपना मुरुमुआ या इसमें हॉलेज में अच्छा चलता है। मतलब ट्रॉली के लिए काम के लिए काफी अच्छा है, अच्छा चलेगा। और इस ट्रैक्टर में ये पुराना है मेरे हिसाब से मॉडल है 744 FE ना जी? ये मतलब बहुत पुराना है और बस खाली लुक में चेंज किया गया है कि जैसे कि यहाँ पे ये न्यू NSM। हाँ, जो न्यू लुक आपने बोला वो थोड़ा सा एरोडायनामिक है हल्का सा। इसकी क्या प्राइसिंग जाती है? इसकी प्राइसिंग जाती है 8,10,000 तक। 8,10,000। और वो 744 XT की? वो 8,80,000। 8,80,000, 8,80,000 और 8,10,000, 70 कितना? 70,000 का। 70,000 का क्यों फर्क है इतना? वो अभी क्या हुआ है, वो HP रेंज पे भी जो टैक्सेस वगैरह कम ज्यादा रहते हैं उसके। अच्छा, वो 50 है? वो 50 है, ये 48 HP। 48 है, 2 HP में डिफरेंस है। और ट्रैक्टर में इंजन में भी डिफरेंस है। अच्छा, इसका 3300 08 CC का आता है। अच्छा,
इसका 3480 सीसी का, सीसी कम है लेकिन टॉर्क ज्यादा है। नहीं नहीं सीसी उसका ज्यादा है, सीसी ज्यादा है। अब जानते हैं दोस्तों हम जो कि अभी लेटेस्ट में नया मॉडल आया है हमारे स्वराज भारत में जो है स्वराज का, इसके ऊपर हमने रिव्यू किया है, लेकिन सर आपकी क्या राय है इस ट्रैक्टर की? 2023 में अगर कोई किसी ट्रैक्टर का हाइप था तो इस ट्रैक्टर का था, जो मतलब हवा जो चल रही थी जो रुख बदल दिया था वो इस ट्रैक्टर ने बदल दिया। अच्छा, मतलब स्वराज का भी और इंडस्ट्री का भी। क्या खास स्वराज को एक अलग सेगमेंट पे लेके गया ये ट्रैक्टर? ये है 29 HP का जी। अभी ये चलता है अपने इंटर कल्टीवेशन और ग्रेप्स में ज्यादातर हमारे, मतलब ये क्या हुआ, ये कॉम्पैक्ट आ गया अभी जी। अभी पुराने जो स्वराज रहेंगे वो सभी बड़े बड़े हैं, चौड़े थे, चौड़े थे वो भी। तो इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब ये टायर से लेके वो टायर तक। अभी तो 3.5 feet है लेकिन उसको 3 feet भी कर सकते हैं। अच्छा, 3 feet कर सकते हैं। हाँ, 3 feet गन्ने में भी चला सकते हैं, गन्ने में भी चला सकते हैं। बढ़िया है ये तो। तो इसके लिए ज्यादातर अच्छा रहा, मैंने इसलिए कहा कि स्वराज या इंडस्ट्री को अलग लेवल पे लेके गया, क्योंकि किसी के पास ऐसा ट्रैक्टर नहीं है जो 29 HP है लेकिन वो गन्ने में चल सकता है। आपने देखा होगा ये बटन स्टार्ट वाला, हाँ। मतलब बटन जो पीटीओ बंद कर देता है, मतलब ये ऐसे घुमाया तो पीटीओ चालू हो गया, तो वो बंद हो गया। मतलब इसका मैंने देखा था कि इससे दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप कोई पीछे ब्लोअर लगा देते जो स्प्रे करने वाली दवा, अगर आप टर्न ले रहे हैं तो इसको ऐसे बंद, स्प्रे सेवर स्विच कहा जाता है। हाँ, स्प्रे सेवर स्विच कहा जाता है, बटन दबा देते हैं और टर्न पूरा मारते हैं तो उस टाइम पे आपकी दवा बंद हो जाएगी, यानी कि ट्रैक्टर का पीटीओ बंद हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये नया है इसमें। किसानों का क्या रिव्यू है इसके बारे में? किसानों का तो बहुत अच्छा रिव्यू है इसके बारे में। क्या क्या काम में? अभी हमारे यहाँ तो गन्ने में, इंटर कल्टीवेशन में दिए है हमने, ग्रेप्स में दिए है, हर जगह पे ये बेतोड़ चलता है। टायर का साइज क्या है? ये 8-3-20 का टायर आता है उसमें। इसमें बड़ा भी आता है ना? इसमें बड़ा भी आता है, 9-5-20 का भी आता है। इसकी प्राइसिंग क्या जाती है? इसकी प्राइसिंग 5,85,000 तक जाती है, 5,85,000 ऑन रोड जाती है, महाराष्ट्र सांगली के रेट है। सर आप टारगेट के बारे में हमें इतना बता ही रहे हैं तो इसको चला के थोड़ा सा दिखाइए, क्योंकि लोगों को देखने में मजा आता है। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। खासियत क्या है मतलब चलाने में बैठने में? अभी ये ज्यादा कंफर्टेबल आ गया। अच्छा, मतलब इसका सीट जो है, हाँ, वो एडजस्टेबल हो जाता है आगे पीछे। इसका फायरिंग थोड़ा अलग है, ये थोड़ा सा 3 cylinder में अलग फायरिंग। बढ़ाइए, मतलब हमने XT का सुना था थोड़ा बड़ा था, इसका और साइलेंट है। ये पूरा साइलेंट है, मतलब बगल से जाएगा पता नहीं चलेगा। नहीं, नहीं जाएगा। चला के दिखाइए थोड़ा। अभी आप कौन से गियर में चला रहे थे? ये हाई फर्स्ट में चल रहा है। अच्छा, हाई फर्स्ट में चल रहा है अभी। सिंक्रोमेस गियर बॉक्स आया है। अच्छा, सिंक्रोमेस गियर बॉक्स का आपको एक लाइव डेमो में अगर दिखा सको, दिखाइए ना, मैं उसको लो में डालता हूँ। अच्छा, नीचे उतरूंगा, दिक्कत नहीं है सिंक्रोमेस में, आवाज नहीं किया इसने थोड़ा भी। ये देखिए दोस्तों, कमाल का लाइव डेमो है, आवाज नॉर्मल खाट से बोलता है, ये नहीं करेगा। अच्छा, चलने दीजिए, रुके चलने दीजिए। अच्छा रुके चलने दीजिए, आप डालिए। इसको बोलते हैं दोस्तों इंडियन फार्मर का लाइव डेमो। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है छोटा सा लाइव डेमो बताइए, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रैक्टर देखते हैं। अब बताइए इसके बारे में आप। इसका क्या मैं जितना बताऊं उतना कम है, ये अपना कंपनी का पहला मॉडल था। हाँ। मतलब 1974 में, हाँ, जब कंपनी ने स्टार्ट किया था तभी से ये मॉडल चल रहा है। अच्छा, सबसे पुराना स्वराज का ये मॉडल है। अच्छा, इसके कारण फिर भी अभी चालू है। अभी ये मॉडल एक्चुअली क्या है, 27 HP का आता है। अच्छा, तो इसमें ज्यादातर ये यूज होता है जो छोटे वाले किसान हैं, 1-2-3-4 acres वाले, उनके लिए ज्यादातर अच्छा रहता है। मतलब मैंने देखा कि यहाँ पे ये दो ट्रैक्टर है जो छोटे किसानों के लिए बेहतरीन है, जिसका 1-2 acres खेती है, छोटा ट्रॉली लगा सकते हैं, छोटा रोटर लगा सकते हैं, छोटा प्लाव भी चला सकते हैं, दोनों के दोनों से। अब उसमें मान लीजिए कंफ्यूज हो गया बंदा कि ये लू या ये लू, इसका प्राइसिंग क्या जाता है? इसका तो चला जाएगा 5,60,000 में। 5,60,000, ये जाता है 5,85,000। अगर बंदा बोलेगा मैं 25,000 और डाल दूं ये ले लूं, तो क्या फर्क रहेगा दोनों में वो बताइए। नहीं, वो क्या रहता है, टेस्ट पे डिपेंड रहता है। अच्छा, थोड़ा सा क्या है, जो जिनको पुराना वाला मॉडल चाहिए, हाँ, जो ज्यादातर मतलब पुराने यहाँ से ही चला है, जो पुराने स्वराज थे, किर्लोस्कर इंजन था, हाँ, उसके बिहाब पे चला था, हाँ, इतने साल, तो वो ये ले सकते हैं, मतलब देसी और रॉ टेस्ट। हाँ जी, ये रॉ टेस्ट वाला है, और ये रहा तो अपना नया वाला। ये मतलब इतना पुराना हो चुका है 1974 का, फिर भी चालू है, लेकिन फिर भी बिक रहा है। इसकी वजह है ये XM। उसका रीजन आप कमेंट में बताइए, XM का मतलब क्या है, गूगल करिए चाहे जो करिए। ट्रैक्टर लेते समय हमारा किसान क्या देखेगा, आखिरी बात बताइए। ट्रैक्टर लेते समय सर अपने को क्या देखना चाहिए? फ्यूल इफिशियंसी देखनी चाहिए पहली चीज। हाँ,
दूसरी देखनी चाहिए कि उसका मतलब रिसेल वैल्यू भी देखना चाहिए जी। तीसरा रहेगा जो डीलर नेटवर्क या वो भी स्ट्रांग रहना चाहिए, उसके कारण हर चीज़ें इजी हो जाती है। अच्छा, डीलर भी स्ट्रांग देखना चाहिए। सबसे जरूरी चीज़ है क्या, कंफर्ट देखना चाहिए? कंफर्ट तो सर देखना ही चाहिए। अच्छा, हर ट्रैक्टर में वो तो देखना ही चाहिए। मेरा नहीं, ऐसा मतलब नहीं कि कंफर्ट नहीं देखना चाहिए, लेकिन ट्रैक्टर लिया तो खत्म हुआ ऐसा नहीं है। वो 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल तक वो साइकिल चला रहता है। बराबर, तो इसके लिए वो आगे का भी सोचना चाहिए। 30 से 40 सेकंड में मैं आपको मेरा कंक्लूजन यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों क्या है। तो हमने यहाँ पे 5 ट्रैक्टर लिए थे टोटल, तो 5 ट्रैक्टर में से सबसे पावरफुल ट्रैक्टर हमने देखा, उससे कम पावर वाला देखा, जो NSM नई टेक्नोलॉजी है, नया लुक है वो देखा, उसके बाद हमने टारगेट देखा और पुराना जो चलता है वो ऑर्चर्ड देखा। तो यहाँ पे हमने स्वराज की जो मेजर हॉट सेलिंग जो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो ट्रैक्टर से वो सारे हमने देखा, और रवि सर से हमने जाना कि कौन सा ट्रैक्टर बिक रहा है, कौन सा कैसा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझने की कोशिश की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आपको लाइव्स देखने रहते हैं कि भाई ट्रैक्टर वो चीज़ों के साथ कैसे चल रहा है, चाहे वो प्लाव हो, रोटर हो, ट्रॉली हो। तो हमेशा हम कोशिश करेंगे आगे चल के कि आपको क्या चाहिए वो मुझे कमेंट में पहले बताइए। कमेंट अगर आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्ट, किस चीज़ के साथ लाइव डेमो चाहिए या अच्छा वाला रिव्यू और डिटेलिंग में चाहिए। तो हमने अभी यहाँ पे 24 में पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो कि एक साथ सारे ट्रैक्टर लिए, और कौन से कंपनी के लेने चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, एक साथ इतने ट्रैक्टर यहाँ पे लाना, टाइम बहुत मेहनत करना पड़ता है, इससे इजीली नहीं होता है, समय देना पड़ता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।